तो गाइस यार, बहुत दिनों बाद लॉस सैंटोस में खुला एक नया कार्स का शोरूम और मुझे पता चला है इस कार के शोरूम का ओनर है स्पाइडरमैन। और अभी यहाँ की ये कंफर्म भी हो चुका है, इस शोरूम का ओनर पक्का स्पाइडरमैन ही है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर घुसते इतना बड़ा स्पाइडरमैन का लोगो लग रहा है। चलो देखते हैं इनके पास कौन कौन सी कार्स है। आइए सर, आपका स्वागत है स्पाइडरमैन के वन एंड ओनली कार शोरूम में। थैंक यू सर। तो गाइस यार, यहाँ पे देख सकते हो इनके पास एक खतरनाक स्पाइडरमैन की कार्स। जो भी गाड़ियां स्पाइडरमैन को अच्छी लगती है वो सारी गाड़ियां यहाँ पर हैं। ये देख सकते हो फोर्ड की बहुत ही ज्यादा पुरानी विंटेज कार यहाँ पर है। ये एक सुपर कार है पर बहुत ही ज्यादा पुरानी है। और एक खतरनाक सी स्पाइडरमैन वाली बुगाटी, और यहाँ पे खतरनाक सी फरारी है वो भी स्पाइडरमैन एडिशन, और यहाँ पे निसान GTR। इसमें देख सकते हो स्पाइडरमैन के वेब भी लगे हुए, कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और ये खतरनाक सी एक और स्पाइडरमैन की कार, इसमें क्या खास है मुझे जानना है। सर, इसी गाड़ी में स्पाइडरमैन पैदा हुए थे, इसलिए इस गाड़ी को हमने यहाँ पर रखा है। जो भी इसको खरीदेगा वो भी स्पाइडरमैन बन सकता है। क्या, जो इसको खरीदेगा वो स्पाइडरमैन बन सकता है? कितने की ये? सर, ओनली $55 million। क्या, $55 million इस गाड़ी के? हाँ सर, क्योंकि इस गाड़ी से आप स्पाइडरमैन बन सकते हो। अरे वो तो ठीक है, स्पाइडरमैन बन सकते हैं, पर $55 million कौन लेता है? एक सेकेंड, ये सामने कौन सी कार है और यहाँ पे ये वैनम क्या कर रहा है? सर, ये है एक फरारी स्पाइडरमैन एडिशन। ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही कार है। ये गाड़ी खुद स्पाइडरमैन सर चलाते हैं, और हमने वैनम को इसकी सिक्योरिटी के लिए रखा है। क्या, वैनम को सिक्योरिटी के लिए रखा है? ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। इसमें हर जगह स्पाइडरमैन का बना हुआ, कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये वाली गाड़ी कितने की है? सर, कोने में आओ। है, अरे गाड़ी कितने की है? सर, कोने में आओ, फिर बताऊंगा। सर, आपको तो बताइए दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपको कोने में लेके आया। ये गाड़ी है $100 million की। क्या, $100 million? अरे सर, सर धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। अरे क्या, $100 million? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। इस गाड़ी को स्पाइडरमैन सर खुद चलाते हैं, इसलिए $100 million की है। ये गाड़ी उड़ सकती है, पानी के ऊपर चल सकती है, मिट्टी के ऊपर चल सकती है, और जो चाहोगे वो कर सकती है। क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और सर, इस गाड़ी में एक स्पेशल मोड भी है, इस गाड़ी को हम स्पाइडरमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, करके दिखाओ ना। सर, क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी है? नहीं, मुझे तो नहीं खरीदनी। फिर क्यों करके दिखाए, निकलो ऐसे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, फटाफट से कन्वर्ट करके दिखाओ। ओके सर, ये स्पाइडरमैन कार कन्वर्ट इनटू स्पाइडरमैन। ये देखिए सर, ये कन्वर्ट हो गई स्पाइडरमैन में। अरे गाइजर, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी वो स्पाइडरमैन की कार कन्वर्ट हो चुकी है स्पाइडरमैन में। रुको रुको सर, एक बार मैं बोल के देखूं। हां सर, बोलिए बोलिए। ओके ओके, स्पाइडरमैन कन्वर्ट इनटू स्पाइडरमैन कार। अरे गाइजर, ये तो फिर से कन्वर्ट हो गई गाड़ी में, ये तो बहुत ही खतरनाक है। सर, अब आप बताइए पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या चेक? कौन सी पेमेंट? सर, आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना? मैं ये गाड़ी तो खरीदूंगा, पर आप मुझे 10,000 में दोगे तो? क्या, 10,000 में? निकले ऐसे, बाहर निकल। अरे सर, क्या हो गया? $100 million की गाड़ी में देखो 10,000 में दूंगा, निकल जाए ऐसे, भाग जाए ऐसे। अरे चारों चिल्ला कह रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, वरना वैनम तुझे बहुत मारेगा। अरे हाँ, जा रहा हूँ। इतने घटिया शोरूम में मुझे कोई गाड़ी चाहिए भी नहीं। सुन लो मेरी बात, सारी की सारी गाड़ी तुम्हारी घटिया है, निकल यहाँ से वरना वैनम को पीछे भेजता हूँ। अरे भागो यहाँ से, ये तो वैनम को मेरे पीछे भेज रहे हैं। और ये कार सर, इनके पास तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पाइडरमैन की कार है, और वो $100 million वाली तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस सर, इसने अभी तो मुझे अपने शोरूम से बाहर भगा दिया, पर मैंने सोच रहे हैं मैं ये सारी की सारी स्पाइडरमैन की गाड़ी अपने घर में खड़ी करके रहूंगा, फिर चाहे मैं इसको खरीद के करूं या फिर चोरी करके, मुझे ये सारी की सारी गाड़ियां अपने घर के अंदर चाहिए। तो मैंने सोच लिया मैं ये सारी की सारी गाड़ियां चुराने वाला हूं। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, तो फटाफट से कमेंट कर दो फ्रैंकलिन चोर। जितना ज्यादा आप लिखोगे कमेंट में फ्रैंकलिन चोर, उतनी जल्दी मेरी चोरी करने की शक्तियां बढ़ेगी, और मैं बढ़िया से सारी की सारी गाड़ियां चुरा लूंगा। तो फटाफट से कमेंट कर दो फ्रैंकलिन चोर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और चलते फटाफट से चोरी करते हैं। तो गाइस सर, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा प्लान आ चुका है गाड़ी चुराने के लिए। तो गाइस सर, वो प्लान अभी आपको मैं बता दूं। तो अभी मैंने पूरा का पूरा अपना हुलिया चेंज कर लिया, आप देख सकते हो पूरे के पूरे कपड़े चेंज कर लिए, मैंने विग पहन लिए और अपनी दाढ़ी भी पूरी चेंज कर ली है। और गाइस सर, मैं डिलीवर करने वाला हूं ये न्यूज़पेपर्स। चलो फटाफट से
बदलते हैं, हम बनने वाले एक न्यूज़पेपर मैन। हेलो सर, मैं आपका न्यूज़पेपर ले आया, ये लीजिए आपका न्यूज़पेपर। मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं मंगवाया, किसका न्यूज़पेपर है ये? सही, आप ही का न्यूज़पेपर है, मैं रोज तो देने आता हूँ। क्या झूठ बोल रहे हो, मैंने तुमको पहली बार देखा है। अरे सर, आप यहाँ पे होते नहीं हो, स्पाइडरमैन सर होते, उन्होंने मंगवाया है। अरे क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर न्यूज़पेपर क्यों फेंक रहे हो? अरे सर, आपके न्यूज़पेपर तो आपके ऊपर फेंकूंगा ना, ये लो न्यूज़पेपर, ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। अरे सर रखो रखो, अरे सर रखो ना। अरे ये क्या कर दिया, अरे क्या कर रहे हो ये, मुझे क्यों मार रहे हो? अबे ये ले, वैनम के बच्चे तू भी ले। तो कैसे, अभी मैंने वैनम को यहाँ पे गिरा दिए, फटाफट से खतरनाक सी फरारी हम चुरा लेते हैं। अभी शोरूम का ओनर और वैनम दोनों नीचे गिर चुके हैं और हम इस खतरनाक सी फरारी को यहाँ से चुराने वाले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो कैसे, अभी हम न्यूज़पेपर मैन बन के खतरनाक सी हमने ये फरारी चुरा लिए और इसका इंटीरियर आप देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त है और कैसे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो कैसे, हमने चुरा ली सबसे पहली स्पाइडरमैन के शोरूम से कार, जो कि एक खतरनाक सी फरारी स्पाइडरमैन एडिशन। पर अभी भी वहां पे खतरनाक खतरनाक गाड़ियां बाकी है, एक तो वो 100 मिलियन डॉलर की जो कि कन्वर्ट होती है एक स्पाइडरमैन के सूट में, और एक और 55 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी जहां पे स्पाइडरमैन पैदा हुआ था। बोला जाता है कि अगर गाड़ी वो हम खरीद ले तो हम भी स्पाइडरमैन बन जाते हैं। तो फटाफट इस गाड़ी को अपने घर पे रख के आते हैं और चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने। अरे वैनम, ये क्या हो गया, हमारी गाड़ी कहां पर चली गई? वैनम, अरे मुझे लगता है वो न्यूज़पेपर वाला हमारी फरारी चुरा के चला गया, ये कैसे हो सकता है, जल्दी पुलिस को फोन करो। वैनम, वैनम, अरे क्या वैनम वैनम कर रखे हैं, जल्दी पुलिस को फोन करो, मुझे ही करना पड़ेगा। चुलबुल पांडे नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा, किसने करी मेरे एरिया में चोरी, बोलो बोलो मैनेजर क्या हो गया? अरे चुलबुल पांडे सर, हमारे शोरूम में चोरी हो गई, हमारी स्पाइडरमैन वाली फरारी चोरी हो गई। अरे अरे तुम टेंशन मत लो, चुलबुल पांडे आ चुका है, वो सब देख लेगा। तो कैसर, अभी शोरूम के यहाँ पे पुलिस आ चुकी है और मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला प्लान है, मैं इसके पीछे जाके इसको मारूंगा और फटाफट से इसके कपड़े पहन लेते उससे पहले कोई पुलिस वाला मुझे देखे। तो कैसर, अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, फटाफट से अंदर चलते, किसी को मैं पहचान में नहीं आने वाला हूँ, चलो फटाफट से चलते हैं। अरे अरे इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनो, फटाफट से सबूत ढूंढो, हमें पता करना पड़ेगा चोर कौन है। ओके सर, अभी मैं ढूंढता हूँ सबूत, यहाँ पर सबूत कहाँ मिलेगा, आओ सबूत ढूंढते हैं। तो कैसर, सबूत तो मैं ढूंढने नहीं वाला, ये फोर्ड की कार जरूर चुराने वाला, ये बहुत ही ज्यादा मस्त, ये फोर्ड की विंटेज सुपर कार मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। तो फटाफट से इसको चुराते हैं, कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा, इनको लग रहा है मैं यहाँ पे सबूत ढूंढ रहा हूँ, पर इनको पता नहीं मैं यहाँ पे इनकी गाड़ी चोरी कर रहा हूँ। चलो कैसर, अभी इसके अंदर हम बैठ चुके, इसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा मस्त है, चलो फटाफट से इसको यहाँ से चुराते हैं। अरे सर, आपका पुलिस वाला मेरी गाड़ी लेके जा रहा है। अरे अरे वो सबूत के लिए लेके जा रहा होगा, तुम टेंशन मत लो, चुलबुल पांडे ऐसा कुछ नहीं होने देगा। अरे सर, ये तो वो इंसान है जो कि न्यूज़पेपर वाला बन के आया था और थोड़ी देर पहले हमारे शोरूम में आया था, वो काला इंसान। अरे अरे फिर तो वो पक्का चोर होगा, पकड़ो इसको। तो कैसर, ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमने चुरा लिए फोर्ड की खतरनाक सी विंटेज सुपर कार, ये पुराने जमाने की कार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी हम देखने वाले हैं कि स्पीड कैसी है इसकी, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे कहां भिड़ गया मैं। तो कैसर, अभी हम अपने घर पे आ चुके, फटाफट से इस वाली गाड़ी को भी अंदर खड़ी कर देते हैं। ये हमारी मस्ती फरारी खड़ी है और ये हमारी मस्ती फोर्ड की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। चलो कैसर, हमने चुरा ली स्पाइडरमैन के शोरूम से दो दो गाड़ी, पर अभी भी बहुत सारी गाड़ियां चुराना बाकी, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं और अगली गाड़ी चुराते हैं। मेरी बात सुनो, हमारे शोरूम में से दो दो गाड़ियां चोरी हो चुकी है और मुझे पक्का पता है वो चोर फिर से जरूर आएगा। मैं नहीं चाहता हमारी 55 मिलियन डॉलर की गाड़ी चोरी हो, या फिर 100 मिलियन की, या फिर कोई सी भी गाड़ी चोरी हो। तुम सारे पुलिस वाले और मिलिट्री वालों को ध्यान रखना पड़ेगा हमारे शोरूम का, एक भी गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे गेट पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, मिलिट्री टैंक्स हेलीकॉप्टर पुलिस वाले सब के सब खड़े हो जाओ और पूरे शोरूम को चारों तरफ से घेर लो। अब देखता हूँ कोई भी चोर मेरे शोरूम में कैसे चोरी करेगा, पूरी मिलिट्री मेरे साथ है, सारे लॉस सैंटोस के पुलिस वाले मेरे साथ हैं, देखते हैं अब कौन चोरी करेगा मेरे शोरूम में। तो कैसर, हमारे स्पाइडरमैन के शोरूम के मैनेजर ने मिलिट्री बुला ली, पुलिस बुला ली, पता नहीं क्या क्या बुला लिया, पर उसको पता नहीं है हम
कितने ज्यादा खतरनाक है। तो कैसे उन्होंने मेन गेट को पूरा कवर कर दिया था मिलिट्री वालों और पुलिस वालों ने, पर हम आ चुके ऊपर से ये खतरनाक सा प्लेन लेके। पर कैसे हम इस खतरनाक से प्लेन पे आ चुके हैं इधर शोरूम की छत पे, और कैसे अभी हम इस शोरूम में घुसने वाले और कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। ये मैनेजर बाहर खड़ा है, सारे पुलिस वाले बाहर खड़े, बस ये वैनम इधर खड़ा है। अगर इस वैनम देख लिया ना तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो तो देखा जाएगा। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे लग गई यार, बहुत ही तेज गिर गया, पर कोई बात नहीं कैसर, किसी ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। और कैसर अभी मैं चुराने वाला हूँ ये खतरनाक सी निसान जीटीआर स्पाइडरमैन एडिशन, और कैसर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी है, फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं। और कैसर अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे, क्योंकि मेन गेट पर तो पुलिस वाले और मिलिट्री वाले, तो मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिसको दबाने से ये गाड़ी जाती है सीधा हवा में और हम आते हैं सीधा शोरूम के बाहर। और कैसर अभी आप देख सकते हो शोरूम के बाहर हम यहाँ पे आ चुके हैं, फटाफट से इस गाड़ी को यहाँ से नीचे उतार रहे थे और हम शोरूम से बाहर आ गए। और कैसर हमें एक खतरनाक सी निसान जीटीआर मिल चुकी है। तो कैसर इस गाड़ी में स्पेशल यही है कि ये देख सकते हो, एक तो यहाँ पे मस्त मस्त स्पाइडरमैन के वेब लगे हुए हैं, और कैसर ये गाड़ी उड़ती भी है। ये देखो भाई कितनी ज्यादा खतरनाक है, एक फ्लाइंग स्पाइडरमैन कार, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और कैसर ये गाड़ी है $40 million की, अभी मैंने इसकी प्राइस चेक कर दी है, $40 million की गाड़ी है, और इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। उस शोरूम के मैनेजर ने इतनी सारी मिलिट्री बुलाई, पुलिस बुलाई, पर कुछ काम नहीं आया, क्योंकि हम एक खतरनाक से चोर हैं और हमने एक खतरनाक सी निसान जीटीआर चुरा ली। इसमें पेट्रोल थोड़ा कम है, चलो पेट्रोल भराते हैं। जब तक मैं पेट्रोल भराता हूं आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली गाड़ी चुराने। ये कैसे हो सकता है, इतनी सारी सिक्योरिटी मिलिट्री पुलिस रखने के बाद हमारी गाड़ी चोरी हुई, ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूंगा, स्पाइडरमैन सर को पता चलेगा तो मेरी नौकरी तो पक्का चली जाएगी। अरे मिलिट्री वालों तुम क्या देख रहे हो, हमारी गाड़ियां चोरी हो गई, निकल जाओ यहां से सबके सब, अब मैं क्या करूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्पाइडरमैन और अभी मैं जाने वाला अपने शोरूम में से गाड़ियां चुराने। क्या तुम सोच रहे हो कि स्पाइडरमैन अपने शोरूम में से गाड़ी क्यों चुराएगा? क्योंकि मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ, मैं हूँ आपका फ्रैंकलिन। तो कैसर अभी मैंने इस खतरनाक सी मास्क की दुकान से बहुत सारे स्पाइडरमैन की कपड़े पहन लिए और मैं बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा लग रहा हूँ। और कैसर मैंने एक बाइक भी चुरा ली है जो कि बिल्कुल रेड कलर की है, तो ये स्पाइडरमैन की बाइक भी लगेगी। अब हम जाने वाले सीधा उस शोरूम में और चुराने वाले गाड़ी, वो भी बनके स्पाइडरमैन। तो कैसर अभी हम उस शोरूम पे आ चुके, चलो फटाफट से चलते। और मैनेजर साहब क्या हाल है? अरे मैनेजर क्या हो गया? अरे सर मैं क्या बताऊँ, एक चोर है जो हमारी सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे करके चुरा रहा है। मैं आपको बताना नहीं चाहता था, मैं उसको पकड़ना चाहता था पर मैं उसको पकड़ नहीं पाया और उसने हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ चुरा ली। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? रुको अभी मैं जाके देखता हूँ कौन सी गाड़ी चुराई उसने। तो कैसर हम शोरूम के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ ये बुगाटी चुराने का। अरे इतने टाइम से मैं शोरूम में नहीं गया हूँ, चलो अपने शोरूम में चलते हैं। अरे मैनेजर यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे मैनेजर ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे रो क्यों रहे हो? अरे तुम कौन हो? क्या मेरे से पूछ रहे हो? हाँ तुम कौन हो? अरे मैं स्पाइडरमैन, भूल गए क्या शोरूम का ओनर? तुम स्पाइडरमैन हो, तो अंदर जो स्पाइडरमैन है वो कौन है? अरे नहीं नहीं नहीं, अंदर अभी भी एक और स्पाइडरमैन गया है, इस बाइक पर वो आया था। क्या इस बाइक पर? ये किसकी बाइक है? अरे ये तो स्पाइडरमैन की बाइक है, तुम कौन हो? अरे मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, ये देखो मेरी गाड़ी भी है मेरे पास। अरे ये तो स्पाइडरमैन की गाड़ी है सर, इसका मतलब है वो नकली स्पाइडरमैन है। क्या नकली स्पाइडरमैन? हाँ सर, हमारे शोरूम में धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ चोरी हो रही है, मुझे लगता है वो चोर इस बार स्पाइडरमैन बन के आया है। मैंने सोच लिया है मैं ये वाली गाड़ी चुराऊंगा। अरे मैनेजर इस गाड़ी की चाबी, अरे ये स्पाइडरमैन कहाँ है, ये कौन है? तुम कौन हो? ये तो स्पाइडरमैन है। अरे मैं स्पाइडरमैन हूँ, ये कौन है? मैं स्पाइडरमैन हूँ, तुम कौन हो? मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ। अरे ये नकली स्पाइडरमैन है, मैं असली स्पाइडरमैन हूँ। अरे ये बाइक मेरी है, मैंने नई नई बाइक खरीदी है। स्पाइडरमैन को तो बाइक चलाना भी नहीं आती, तुम ही नकली हो। अरे मैंने बाइक चलाना सीख ली, मैं ही असली स्पाइडरमैन हूँ। नहीं मेरे पास स्पाइडरमैन वाली गाड़ी है, मैं असली स्पाइडरमैन हूँ। अच्छा तुम असली स्पाइडरमैन हो तो ये करके दिखाओ, अगर तुम सही में स्पाइडरमैन हो तो तुम ऐसे कूद सकते हो, क्या तुम मेरी तरह से उड़ सकते हो? अगर तुम ऐसे उड़ के बताओ तभी मैं मानूंगा तुम असली स्पाइडरमैन हो। अभी देखो
मैं इस गाड़ी को स्टंट करके दिखाता हूँ। इस गाड़ी में ऐसा स्टंट करूंगा तुमको पता चल जाएगा मैं स्पाइडरमैन हूँ और ये मेरी गाड़ी है। चलो देखते हैं तुम कौन सा स्टंट करते हो। अभी करके दिखाता हूँ। 3, 2, 1 निकल यहाँ से स्पाइडरमैन के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू भी निकल मैनेजर। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे चुपचाप बैठ, तू कैसे फटाफट से यहाँ से निकलते। मैं तो स्पाइडरमैन बन के आया था, सोचा था आराम से गाड़ी चला लूंगा, पर यहाँ पे तो असली स्पाइडरमैन आ गया। पर ये अच्छा हुआ कि असली स्पाइडरमैन की गाड़ी हमें मिल गई। हमें जितनी गाड़ी मिलने वाली थी उससे एक और ज्यादा गाड़ी एक्स्ट्रा मिल चुकी है, क्योंकि ये स्पाइडरमैन अभी अभी चला के लेके आया था और ये हमने चुरा ली खतरनाक सी बेंटली जो कि स्पाइडरमैन एडिशन है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी हम वापस इस शोरूम में आ चुके और ये दोनों अभी तक बेहोश हो रखे हैं। मुझे पकड़ेगा तो स्पाइडरमैन चुपचाप बैठ। तो गाइस अभी हम फटाफट से यहाँ पे आ चुके हैं और ये खतरनाक सी बुगाटी को चुरा लेते हैं जो कि हम पहले चुराने आए थे, पर हमें वो खतरनाक सी स्पाइडरमैन की गाड़ी मिल गई थी तो हमने वो चुरा ली थी। और गाइस अब बारी इस खतरनाक सी बुगाटी की। तो गाइस आपको तो पता है बुगाटी वैसे कितनी ज्यादा फास्ट होती है और ये एक स्पाइडरमैन एडिशन, देखते हैं इसमें क्या खास है। एक सेकंड, ये कौन सा बटन है? इसको दबाते हैं और ये क्या? अरे गाइजर ये तो सही है, बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि गाइजर इस बटन को दबाने के बाद हम इस बुगाटी को चला सकते हैं पानी के ऊपर। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइजर हमें मिल चुके है स्पाइडरमैन की बुगाटी जो कि चलती है पानी में और वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो गाइजर आप सोचो गाड़ी जो कि पानी के ऊपर चलती है उसका कितना प्राइस होगा, फटाफट से सोचो, कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कितना प्राइस होगा इस खतरनाक सी बुगाटी का। और अपन चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने। ये क्या? मेरे मैनेजर और मेरे बॉस को किसी ने मार दिया। ये वैनम उसे नहीं छोड़ेगा। हमारे शोरूम में से गाड़ियां गायब हो रही है, अब एक भी गाड़ी और गायब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो मैनेजर साहब और स्पाइडरमैन को तो हमने सुला दिया, अब तो हम कितनी गाड़ियां भी चुरा सकते हैं। चलो फटाफट चलते हैं। अच्छा तो तू ही है वो जो कि सारी गाड़ियां चुरा रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे वैनम मुझे माफ कर दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा काले पिद्दी, रुक जा। अरे काइजर की वैनम तो मेरे पीछे पड़ गया, मैं तो भूल ही गया था वैनम भी तो यहाँ की सिक्योरिटी कर रहा है, अब मैं क्या करूँ, इससे कैसे पीछे छोड़ाऊँ, ये तो मेरा कचुंबर बना देगा। वैनम के बच्चे ये ले। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भागो। अरे काइजर मुझे कुछ करना पड़ेगा, इससे कैसे भी करके बच के जाना पड़ेगा, क्या करूँ क्या करूँ। रुको मेरे पास आईडिया है, वहां पर जो एक गाड़ी है उसमें स्पाइडरमैन पैदा हुआ था और बोला जाता है उसके अंदर जाने से स्पाइडरमैन की शक्तियां मिल जाती है, तो क्यों ना मैं उस गाड़ी में जाऊँ तो मुझे भी स्पाइडरमैन की शक्तियाँ मिल जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक आईडिया है, चलो फटाफट चलते। अरे ये तो गेट ही लॉक है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भागो, जल्दी जल्दी भागो, मुझे इस वाली गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चलो फटाफट इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और क्या सर मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ गया, क्या मेरे अंदर खतरनाक सी स्पाइडरमैन की शक्ति आ चुकी है? अभी टेस्ट करते हैं। तो क्या सर अभी आप देख सकते हो मुझे मिल चुकी है स्पाइडरमैन की खतरनाक खतरनाक पावर, और अब मैं इस वैनम के बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्या हो गया वैनम? मेरे पीछे पीछे भागे जा रहा था, इस खतरनाक सी गाड़ी में बैठने के बाद मुझे मिल गई इतनी खतरनाक स्पाइडरमैन की शक्तियां कि मैंने वैनम को अभी एक ही बारी में सुला दिया है और अब मैं ये गाड़ी यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। तो गाइस इस गाड़ी में जो भी बैठेगा उसको मिलेगी स्पाइडरमैन की शक्तियां। तो क्या आप में से किसी को ये गाड़ी चाहिए तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद आप भी बन जाओगे खतरनाक से स्पाइडरमैन। ऐसे यहाँ से कूदो फिर गाड़ी में वापस हम चढ़ सकते हैं। 1, 2, 3 ये देख सकते हो भाई कितना ज्यादा ये खतरनाक है। रुको वहाँ पे कुछ क्राइम चल रहा है, हमें पुलिस वालों की मदद करनी चाहिए। अब हम स्पाइडरमैन बन चुके हैं तो पुलिस वालों की मदद करना तो बनता है। रुक जाओ अभी इसको पकड़ते हैं। तो कैसा मेरे पास सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तियां आ चुकी है और मेरे में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, सारे पुलिस वालों की मदद हमें करनी चाहिए। तो कैसा आपको खतरनाक से वेब दिखाता हूँ, इसके ऊपर हम वेब मारेंगे और ये चिपक गया, इसके ऊपर वेब मारेंगे और ये भी चिपक गया, ये ले और हमारे पास ये करंट वाले वेब भी चुके हैं और मारने वाले सबको करंट लगाएंगे। क्या हो गया मारना। तो गाइस अभी मैंने सारे के सारे गुंडों को यहाँ पे पकड़ लिया और ये यहाँ पे अकेला बच गया, इसको भी फटाफट से मार देते हैं। तो गाइस सारे पुलिस वालों की मदद कर ली और गाइस हमें एक खतरनाक सी गाड़ी भी मिल चुकी है। जो भी सबसे ज्यादा कमेंट करेगा स्पाइडरमैन की कार उसको मिलेगी एक खतरनाक सी स्पाइडरमैन की कार, जिससे वो बनेगा खतरनाक सा स्पाइडरमैन। अब हम चलते फटाफट से आखिरी 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी चुराते हैं। अब हमारे पास
सिर्फ 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी बची है, हम उसे चोरी नहीं होने दे सकते। सर आप टेंशन मत लो, हम सब मिलके उसको रोकेंगे और 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी नहीं चोरी होने देंगे। बहुत बढ़िया वैनम, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चलो काइजर फटाफट से चलते, आखिरी हमारी 100 मिलियन डॉलर। ये क्या इतने सारे वैनम और इतने सारे स्पाइडरमैन, ये लो वैनम स्पाइडरमैन। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम चोरी नहीं करने देंगे तुम्हें। हाँ हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा वैनम तुम मुझे चोरी नहीं करने दोगे, हट जाओ सब के सब, तुम मुझे चोरी नहीं करने दोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस मेरे पास जो पावर्स है वही स्पाइडरमैन की पावर्स है, पर मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ये लो। तो गाइस ये स्पाइडरमैन के बच्चे तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, फटाफट से इस खतरनाक सी गाड़ी में बैठते हैं जो कि है 100 मिलियन डॉलर्स की। तो गाइस अब हम शोरूम के ऊपर आ चुके हैं, गाइस अब देखते हैं इस गाड़ी में ऐसा क्या खतरनाक है जो कि 100 मिलियन डॉलर्स की है। पहली बात तो ये गाड़ी उड़ती है, ये तो नॉर्मल सा है, एक और हमने गाड़ी देखी थी वो भी उड़ती है, क्या ये पानी के ऊपर चलती है? जी हाँ ये पानी के ऊपर भी चलती है। और आप इस गाड़ी में कितना खतरनाक सा स्मोक निकल रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस फटाफट से इस गाड़ी को चलाते, देखते क्या ये मजा आने वाला है। और ये तो बहुत ही ज्यादा तेज उड़ रही है, जो पिछली गाड़ी हमें मिली थी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं उड़ रही थी, पर ये बहुत ही ज्यादा तेज उड़ रही है। देखते हम कितनी देर में लॉस सैंटोस को क्रॉस करते हैं, मुझे लगता है हम एक मिनट में पूरे लॉस सैंटोस को क्रॉस कर लेंगे, आधा लॉस सैंटोस तो हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया। देख सकते सामने माउंट चिलियर आ चुका है। तो गाइस ये गाड़ी से में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और इसको भी लेके जाने वाले मिलिट्री जोन में, मतलब हमारे मिलिट्री एरिया में, देखते यहाँ पे क्या होने वाला है। तो गाइस मिलिट्री जोन में आना अलाउड नहीं होता है, पर हम यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि हमारे पास ये खतरनाक सी स्पाइडरमैन वाली कार है। तो गाइस देखते हैं क्या ये 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी हमें मिलिट्री वालों से बचा सकती है, चलो पता करते। ये ले, अरे वो कहाँ चला गया? अरे गाइस क्या ही हमने उसको मारा, वो देखो कैसे हवा में जा रहा है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। आते जाओ मिलिट्री वालों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस सामने से टैंक आ रहा है, चलो फटाफट से उसको भी हवा में उड़ाते हैं, 3, 2, 1, और ये भी हवा में चला गया, और तुम भी हट जाओ ऐसे, फटाफट इसको भी हमने हवा में उड़ा दिया। आप देख सकते हो हम इस गाड़ी को भी थोड़ा सा टच कर रहे हैं और वो गाड़ी कैसे हवा में उड़ते हुए जा रही है, और वो मिलिट्री का टैंक भी हमें गिर चुका है। अब इस मिलिट्री के प्लेन को ठोकते हैं, ये ले। और ये क्या, ये प्लेन तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया सिर्फ टच करने से। तो गाइस यहां पे मिलिट्री के बड़े बड़े प्लेन भी है, इनको भी फटाफट से यहां से उड़ाते हैं। ये देखो ये भी ब्लास्ट हो गया, इस वाले को भी ब्लास्ट करेंगे, रुक जा रुक जा, इसको भी हमने हवा में उड़ा दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस यहां पे मिलिट्री वालों का जेट भी, इसको मारेंगे और ये भी उड़ गया, ये तो दिखते भी नहीं है सीधा हवा में चले गए, कुछ भी दिखा नहीं हो ये सीधा हवा में चले गया। तो गाइस ये 100 मिलियन डॉलर की गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको ऐसी 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी मिल जाए तो आप क्या करोगे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। मैं तो ऐसे करूंगा, रोज रोज मिलिट्री जोन में घुसूंगा और इन सबको मारूंगा। ये सामने से ट्रक आया और इसको हमने ऐसे टच करके थोड़ा दूर कर दिया, और ये ले। और काइजर तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें तो सही में बहुत ही खतरनाक पावर्स मिल चुकी है, एक मैं तो स्पाइडरमैन बन चुका हूँ, और दूसरा हमें एक खतरनाक सी 100 मिलियन डॉलर की स्पाइडरमैन वाली गाड़ी मिल चुकी है। और काइजर अब बारी इस गाड़ी को स्पाइडरमैन में कन्वर्ट करने की, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। अब लगता है हमें स्पाइडरमैन का सूट भी मिलने वाला है, स्पाइडरमैन कार कन्वर्ट इनटू स्पाइडरमैन। और काइजर ये गाड़ी कन्वर्ट हो चुकी है खतरनाक से स्पाइडरमैन में, और ये स्पाइडरमैन का सूट भी हमने पहन लिया। अब लग रहा हूं ना मैं स्पाइडरमैन, पहले तो सिर्फ स्पाइडरमैन की शक्तियां थी, पर अब हमें स्पाइडरमैन का सूट भी मिल गया है। चलो तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा हमारा खतरनाक सा स्पाइडरमैन की गाड़ियां और ये खतरनाक सा स्पाइडरमैन का सूट। ये मिलिट्री वाले तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ये देखो भाई मैं कितना ज्यादा तेज भाग पा रहा हूं, और मैं कहीं पे भी वेब शूटर मार मार के जा सकता हूं। चलो फटाफट से यहां से निकलते हैं और ये मिलिट्री वालों से पीछे छुड़ाते हैं। तो गाइस मैं आपको लेके चलता हूं हमारे कार कलेक्शन की तरफ, जहां पे मैंने सारी की सारी अपनी गाड़ियां रखी है, फटाफट से वहां पे चलते हैं। और ये 3, 2, 1 और हम आ गए। तो गाइस आप सबका स्वागत है खतरनाक सी स्पाइडरमैन की कार कलेक्शन में। सबसे पहले ये खतरनाक सी फोर्ड की सुपर कार जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, स्पाइडरमैन एडिशन, और ये गाड़ी जो कि स्पाइडरमैन बनाती है, इसी में स्पाइडरमैन पैदा हुआ था, और जो इसमें जाता है वो स्पाइडरमैन बन जाता है मेरी तरह। और ये खतरनाक सी स्पाइडरमैन एडिशन की बुगाटी जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और गाइस ये स्पाइडरमैन की गाड़ी जो कि खुद लेके
आया था बेंटली और मैंने उसको चुरा ली थी, और ये मस्त स्पाइडरमैन एडिशन की फरारी और ये निसान जीटीआर जिसके साइड में स्पाइडरमैन के मस्त से ग्राफिक्स लगे हुए हैं। और गाइस आखिरी 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी जो कि अभी मैंने पहनी हुई है, मतलब यार वो सूट में कन्वर्ट होती है और कभी कभी गाड़ी बनती है, हम जो चाहे उसको बना सकते हैं। तो अभी मैं उसको सूट बना के घुमा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये साइकिल मुझे दे दे, ये नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना, अगर आपको आज वीडियो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर जरा फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो थोड़ा पानी में नहा लेते हैं।